अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का फोर्थ पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर्स हैं ये हमारे स्पेशली एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और वैसे भी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियाज कैटालेज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव? ये स्टेफलोकोकस है जो कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। टर्म माइक्रोबायोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय लुईस पाश्चर। इंसिनरेशन इज एफिशिएंट मेथड फॉर डिस्ट्रॉइंग कंटेमिनेटेड मटेरियल। फिनोल जो है ये 1% पे बैक्टेरियासाइडल एज डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। पीरियड बिटवीन इनोकुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम एंड बिगिनिंग मल्टीप्लिकेशन इज लैग फेज। पेप्टोन वाटर इन द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आर इनरिचमेंट मीडिया, क्योंकि दोनों लिक्विड हैं। और क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज रिटेन इन ग्राम पॉजिटिव सेल्स बाय थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर एज अ रिजल्ट ऑफ पोस्ट इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया काज रूमेटिक फीवर। ये बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर स्टरिलाइजेशन इन ऑटोक्लेव? ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स है। इसमें वो 15 मिनट्स वाली ऑप्शन नहीं थी, लेकिन 15 मिनट्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड बाय कैम्प टेस्ट? और ये स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है। जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इसमें हम क्या करेंगे, जो कंपाउंड की जो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आईपीएस की पावर से। व्हाट डू मीन बाय स्टरिलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की स्टरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है और उसके स्पोर्स भी नहीं है, तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजिकली स्टीराइल ऑब्जेक्ट कहेंगे। विच प्रिकॉशन शुड बी टेकन इन यूजिंग ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव को यूज करते हुए बहुत एहतियात की जरूरत है। नंबर वन, उसके जो गेज हैं उसको जो हमने बंद करना है वो बड़े अच्छे तरीके से बंद करना है। उसका हमने टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह और उसकी जो एयर है विदाउट मॉइस्चर वो हमने प्रॉपरली निकालनी है। कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल जर्मिसाइड पे असरअंदाज होते हैं? उनमें उनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन है, उसके प्रॉपर सॉल्वेंट है और प्रॉपर टाइम इन कॉन्टेक्ट टाइम है, मतलब जितना हमें उसे टाइम देना चाहिए किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो उतना टाइम हो। इनरिच्ड मीडिया ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर बेसिक मीडिया के साथ उस ऑर्गेनिज्म की जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती हैं, जो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, वो ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें भी हमने डाली होती हैं। व्हाट आर मेन मेथड्स फॉर स्टरिलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया को हम या तो फिल्टर के जरिए भी कर सकते हैं और दूसरा टेंडलाइजेशन के लिए जरिए भी कर सकते हैं, और कल्चर मीडिया को हम ऑटोक्लेव के जरिए भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंपोनेंट कौन सा है। अगर कोई ज़्यादा हीट सेंसिटिव है तो हम उसके लिए डिफरेंट करेंगे। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ऑफ निमोकोकाई, ये मेरे लेक्चर में निमोकोकाई जो है ये जो हमारा है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एंजाइम्स और टॉक्सिन जो है ये एंडोटॉक्सिन पैदा करता है, एक्सोटॉक्सिन पैदा नहीं करता। एंजाइम इसका एक ही होता है, एजीए प्रोटीएज नेसीरिया गोनोरी। ये भी हमारा पूरा लेक्चर है, उधर से आप डिस्कस कर सकते हैं, सुन सकते हैं सारी बातें। नेगलर रिएक्शन जो है ये मैंने माइक्रोबायोलॉजी पेपर वन में भी एक्सप्लेन किया है, टू में भी एक्सप्लेन किया है। ये क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशी है जो लेसिथिनेज एंजाइम रिलीज करती है, और उसकी हम एक्टिविटी चेक करते हैं। जो डिफ्थीरी है ये चाइनीज लेटर शेप के सेल होते हैं और इसके अंदर पॉलीमराइज्ड फास्फेट ग्रेन्यूल होते हैं। सी डिफ्थीरी का आप उसमें से पढ़ लें। मिनिमम बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन, ये किसी भी बैक्टीरियासाइडल कंपोनेंट की ऐसी कंसंट्रेशन होती है कम से कम मकदार जिससे बैक्टीरिया मर जाएं या 50% मर जाएं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ गोली से मार गया तो उसे तोप से ज़रूर मारना है, इसमें यही है कि अगर हमें ये पता हो कि कम से कम मकदार एंटीबायोटिक की या किसी चीज़ की इतनी है जो बैक्टीरिया को मार सकती है, तो हम वो हमें पता होनी चाहिए। फैकल्टेटिव एनएरोब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जिनको ऑक्सीजन मिल जाए तब भी जिंदा रहते हैं, ना मिले तब भी जिंदा रहते हैं। इंटरफेरॉन्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और ये मुख्तलिफ सेलुलर एक्टिवेशन में काम आते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन वायरसेस, जितने भी ट्रांसमिशन के जो रूट्स हैं वो सारे के जरिए वायरसेस हमारे ह्यूमन से नॉन ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकते हैं। ये मेरा लेक्चर है ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें से आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, इसमें मेरा लेक्चर है बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, उसमें से देख लें। वैसे इसको हम मॉर्फोलॉजी की बेस पर क्लासीफाई करते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पर करते हैं, हम टेम्परेचर की पीएच की बेस पे क्लासीफाई करते हैं।
हैबिटेट मॉर्फोलॉजी अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ऑफ नेजीरिया मेनिनजाइटिस, इस पर मेरा पूरा लेक्चर है नेजीरिया मेनिनजाइटिस पे, उसको आप पूरा देख लें। मोनोटॉक्स में हम पीपीटी प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं, उससे हम रिएक्शन देखते हैं। डिटेल मेथड ऑफ मॉस्ट हिट स्टरिलाइजेशन, ये मैंने स्टरिलाइजेशन वाले अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया, उधर से देख लें। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये मैंने पास्ट पेपर माइक्रोबायोलॉजी 1 और 2 दोनों में एक्सप्लेन किया है। और ट्रांसमिशन पैथोजेनेसिटी एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ, ये भी मैंने पास्ट पेपर जो 1 और 2 गुजर चुके हैं उसमें मैंने दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इधर तक अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।